Good morning, dear students. In previous class of English subject, we completed our first lesson, which is a beautiful poem, and its name is A Happy Child. As you see on the screen, there is some practice workbook for you. Today we are going to do some work in this practice book. So let's start. As you see on the screen, you have some questions. So we answered in our workbook. So let's start with first question. As you see, first question is, answer the following questions in one sentence. जैसा कि आपने पोएम पढ़ी थी तो उसमें आपने क्वेश्चंस के आंसर दिए थे, इस तरीके से आपको इस वर्कबुक में भी आंसर्स लिखने हैं. सो आर फर्स्ट क्वेश्चन इज, वॉट डज द चाइल्ड डू होल डे लॉन्ग. मतलब वो जो बच्चा था वो पूरे दिन क्या करता है. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, द चाइल्ड लाफ्स एंड प्ले द होल डे लॉन्ग. इट मीन्स वो बच्चा हंसता है और खेलता है. तो इस तरीके से आपको आपकी प्रैक्टिस बुक में इसका आंसर लिखना है. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू द ट्रीज हेल्प अस. जो ट्रीज होते हैं, पेड़ होते हैं, वो हमें किस तरीके से हेल्प करते हैं. तो इसका आंसर है, द ट्रीज गिव अस शेड फ्रॉम द सन. जो ट्रीज होते हैं वो हमको सन की धूप से बचाते हैं, छांव देते हैं. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चूज द करेक्ट ऑप्शन. जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है और उसके नीचे फोर ऑप्शंस दिए गए हैं, लेकिन उन फोर ऑप्शंस में से एक राइट ऑप्शन है जो आपको ब्लैंक में लिखना है. फॉर एग्जांपल, द फर्स्ट सेंटेंस इज, द चाइल्ड वाज डैश, और आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए हैप्पी, बी सैड, सी क्रूअल, डी काइंड. सो व्हाट इज द राइट आंसर. द राइट आंसर इज हैप्पी. वेरी गुड. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कलर ऑफ द चाइल्ड हाउस वॉज डैश. जो चाइल्ड था उसके घर का कलर कैसा था. सो द ऑप्शन आर, फर्स्ट येलो, बी रेड, सी पिंक, डी ब्राउन. सो द राइट आंसर इज रेड. द थर्ड वन इज, द चाइल्ड हार्डली एवर डैश. सो द ऑप्शंस आर, ए हैप्पी, बी सैड, सी क्राइज, डी एंग्री. सो टेल मी द आंसर. द आंसर इज क्राइज. वेरी गुड. द नेक्स्ट सेंटेंस इज, द चाइल्ड often sat under the dash. The options are, A fan, B tree, C bed, D table. आपको याद है पोयम में बच्चा थककर कहाँ बैठता था. The answer is B. The option B, tree. So this is the work for today. Now this is homework for you. You have to write these answer on your English practice book. That's it for today. Next activity or question we do in our next class. Thank you.